नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे मार्कशीट प्रिंट की, और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। और आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कंप्लीट मार्कशीट प्रिंटिंग की टेक्निक यूज़ को समझने वाले हैं। मुझे आत्मविश्वास है कि इतना आपने काम कर लिया तो एक प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, जब लोकल क्लासेस की बात करें जिनमें, क्योंकि बोर्ड क्लास की जो मार्कशीट होती है उनको प्रिंट करने का, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम बोर्ड का होता है। लेकिन जब हम लोकल क्लासेस का डेटाबेस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इतना बैच बनाना होता है। और जहाँ तक हम आज के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना होगा। और ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका एक बार यूज़ करने के बाद आपको उस डेटाबेस के मैनेजमेंट में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और ये जो फॉर्मेट हमने तैयार किया है ये बहुत इजी फॉर्मेट है। और एक और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्कूल में जो है कि ऐसे एप्लीकेशन परचेस करने के बारे में वो सोच रहे हैं, या जो परचेस कर चुके हैं वो भी चाहें तो इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको वो सॉफ्टवेयर रिन्यू नहीं करवाना पड़े। साथ ही साथ जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, यानी इस डेटाबेस में पूरा आपका मार्कशीट का जो बेस है या डेटाबेस है कंप्लीट, वो पूरा कंप्लीट मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी फार्मूला है, लेकिन आपको व्यवस्थित तरीके से इन फार्मूला को समझना होगा। लास्ट में हम अपनी जो लास्ट एक वीडियो रहेगी उसमें कोशिश करेंगे कि हम इस एक्सेल शीट को वीडियोस के साथ में लोड कर दें, ताकि आप उस लिंक को के माध्यम से हमारी इस डेटा शीट को जो कि डाउनलोड कर उस पर वर्क कर सकें। लेकिन हम खासतौर पर काम बात कर रहे हैं सीखने वाले की, पहले आप कंप्लीट हो जाए। यदि आप उस डेटाबेस को व्यवस्थित तरीके से सीख लेंगे तो जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और जितने भी स्कूल के जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं स्कूल में, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखते रहें, क्योंकि आज हमने जो डेटा शीट तैयार किया है वो कंप्लीट मार्कशीट का डेटाबेस है। चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने अभी पहले हम इस फॉर्मूला को समझा देते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया। आप सबसे पहले टॉप में देखेंगे तो इस टॉप में हमने एक इनरोलमेंट का ब्लॉक लिया। इस इनरोलमेंट में यदि मैं स्टूडेंट का इनरोलमेंट देता हूँ 501 मैंने दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एनरोलमेंट उसका है वो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है, उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, साथ ही साथ उसके टर्मिनल एग्ज़ाम की मार्क्स, उनका टोटल, उनका परसेंटेज, हाफ ईयरली के टोटल परसेंटेज, एनुअल एग्ज़ाम का टोटल परसेंटेज और उसका रिजल्ट, ये सब कुछ शो हो रहा है। साथ ही साथ वो किस डिवीज़न से पास है वो भी यहाँ पर बता रहा है, उसका ग्रेड क्या रहा है वो भी यहाँ पर बता रहा है। इसके साथ ही इसमें कुछ रोचक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि उसके डिविजन्स क्या हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी कि टेट किस प्रकार से डिवीज़न निकालें, तो ये सब कुछ इसमें मेंशन है। साथ ही साथ उसका समग्र आईडी, आधार नंबर भी यहाँ पे लिया। इसके अलावा कोई डेटाबेस आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उस इससे संबंधित और भी कुछ सीखना है या कोई परेशानी है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर यदि हम देते हैं 502, अब देखेंगे कि उसका डिवीज़न बता रहा पास है सेकंड डिवीज़न। पहले वाला बच्चा जो था वो पास है फर्स्ट डिवीज़न था, ये सेकंड डिवीज़न है। यदि हम 503 लेते हैं, अब देखेंगे पास है फर्स्ट डिवीज़न और उसके डिस्टेंस आ रहे हैं। यदि हम यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लेते हैं 4, ये देखिए ये स्टूडेंट फेल है तो बता रहा है रिजल्ट फेल। अब इस पूरे कंसेप्ट में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लॉजिक्स लगाए, क्या क्या फार्मूले लगाए, और ये जो डेटाबेस अभी आपके सामने बनकर आ रहा है ये आ रहा है एनुअल एग्ज़ाम का। हमने टर्मिनल और हाफ ईयरली के सिर्फ परसेंटेज निकाले कि उसका परसेंटेज क्या रहा था, और हमने अब यहाँ पर एनुअल पैटर्न की बात करें, क्योंकि मेन जो रिज़ल्ट होता है वो फाइनल ईयर फाइनल रहता है, यानी एनुअल ईयरली जो रिज़ल्ट रहता है वो रहता है, इसलिए हमने उस पर वर्क किया। आप चाहें तो ये सारे फार्मूले जो है कि टर्मिनल एग्ज़ाम्स और हाफ ईयरली पर भी लागू कर सकते हैं। चलिए अब हमने इसके लिए पहले यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इससे जस्ट पिछला वीडियो आप एक बार अवश्य देख लें, उससे आपको टोटल और परसेंटेज यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ ग्रेड लागू करना भी आ जाएगा यदि डिस्टेंस का है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस को बताया, फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस की।
तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया है और फेल और डिस्टेंस दोनों ही इसी से निकल जाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक फार्मूला लगाया इफ़, उसके साथ में लॉजिक लगाया एंड लॉजिक। एंड ने एक साथ हमें दो कंडीशन देना, इसलिए हमने एंड शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने दिया G13 ग्रेटर देन इक्वल 75। यदि G13 में मार्क्स हों, यानी थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो बड़े हों, बराबर हों कितके, 75 के, तो हम उस पर लागू करते हैं डिस्टेंस। तो हमने दिया डी। इसके बाद डिस्टेंस को सिंबल हमने यहाँ पे दे दिया। एक और कंडीशन के साथ में हमने दी, वो है इफ़ यदि क्या हो, G13 के मार्क्स लेस देन हो 33, क्योंकि कोई स्टूडेंट डिस्टेंस भी ला सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। तो क्या बताया, यदि 33 से मार्क्स कम हो तो हमने बताया फेल। तो हमें दो ही चीज़ें यहाँ पर देना था, इसके अलावा यानी दोनों को चेक करें, यदि दोनों ही नहीं हैं तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दें। आप देखेंगे कि ये ब्लॉक तो फेल है, लेकिन इस ब्लॉक में दोनों चीज़ें लागू नहीं होती है, ना ही इसको 75 से ज़्यादा है तो डिस्टेंस नहीं आएगा, साथ ही साथ इसको ना ही 33 से कम है, तो हमने कहा कि उसको छोड़ दे, यानी ये इन कैटेगरी दोनों कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन इसमें 31 है तो ये फेल है। यदि यहाँ पर हम 501 इनरोलमेंट लेते हैं, ये डिस्टेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसको 75 से ज़्यादा है, इसमें भी, इसमें भी। चलिए यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में लाने होते 28 मार्क्स 75 में से, तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को, अब बाकी सभी के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए अब इस फॉर्मूले को हमने बार बार नहीं लिखा है। बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको, उसकी सीरीज को सभी के ऊपर लागू कर सकते हैं, तो कोने को पकड़ के खींचना है आपको तो इनका निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला, ये कंडीशन नहीं लगती है। यदि हमने इसको भी इसके ऊपर खींचा तो ये फेल बताएगा, तो हमें क्या करना है, फेल जब बताए तो इसको एडिट करना है। इसको क्या करना, 33 की जगह आपको करना है 28, बस। ये देखिए यहाँ का ब्लॉक हट गया है, ये हटा दिया। ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्टेंस निकालने का बात। अब आता है हमारा इसका पॉइंट ग्रेड निकालने का। तो ग्रेड निकलेंगे हमारे परसेंटेज वाइज, यदि एग्रीगेट इसका 75 हो तो इसके परसेंटेज, इसका यदि 75 या इससे अधिक हो तो इसका ए ग्रेड आए। अब जब हमारा डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाता है, इसके बाद आगे हम बात करें ग्रेड की 75 वाले। तो हमने इसके लिए क्या फार्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो स्क्रीन को पास करके और इसको नोट कर सकते हैं। हम इसको समझते हैं, हमने लगाया इफ़, उसके साथ में एंड लॉजिक आपको लगाना है क्योंकि एक से अधिक कंडीशन हम देने वाले हैं। तो एंड के साथ में हमने लगाया G19, जिसमें हमारा परसेंटेज आया है, उस ब्लॉक को हमने सेलेक्ट किया है। क्या हो, बड़ा हो, बराबर हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल 75, तो क्या ग्रेड आए, A++ ग्रेड बने उसका। अगली कंडीशन थी इफ़ यदि इसकी वैल्यू 60 से बड़ी हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल 60। और एक और कंडीशन देंगे, क्योंकि 75 जो है वो भी बड़ा है 60 से, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी लागू होगी, तो ये दोनों में मिसमैच होगा। तो हमने इसको, क्योंकि 60 से बड़ा है 75, तो हमने 75 वाली कंडीशन यहाँ पे लागू, सॉरी हाँ 60 से बड़ा है 75, तो यदि किसी को उसके बीच में मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे मिसमैच वाली स्थिति होगी, है ना। यदि उसको 75 भी है और 60 भी है, तो यहाँ के यदि 75 या उससे अधिक है तो ये 60 वाला डेटा दिक्कत देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया ये आती है, लेकिन वो यही लागू करेगा कि 60 से बड़ा ही है, इसलिए हमने इसको कहा लेस देन, इससे छोटा हो तो ए ग्रेड आए। इसी प्रकार यहाँ पर भी बी ग्रेड के लिए हमने वही कंडीशन फॉलो किया है कि ग्रेटर देन इक्वल 45, लेस देन 60, तो बी ग्रेड। और यहाँ पर हमने कहा है लेस ग्रेटर देन इक्वल 33 और वही लेस देन 45, तो क्या हो, तो पास। इनके अलावा ये सारे कंडीशन यदि चेक कर लें और इनमें किसी में भी नहीं आता हो तो फेल हो। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात, अभी हमने सप्ली का फॉर्मूला नहीं लगाया है, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में लगाने वाले, क्योंकि फार्मूला बहुत बड़ा हो रहा था, हमारा उद्देश्य था कहीं ना कहीं सीखना समझना, इसलिए हमने फार्मूला सप्ली का नहीं लगाया। आप चाहें तो फार्मूला सप्ली का लगा करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, बाकी हम अगले वीडियोस में इसको आपको क्लियर करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस ग्रेड से जो भी इसका परसेंटेज आता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड बन रहा है। यदि यहाँ पर हमने दिया 501 की जगह दिया हमने 2, पास है सेकंड डिवीज़न, ग्रेड बता रहा है बी,
अब ये तो हो गया ग्रेड वाली बात, अब हमें निकालना है पास है सेकंड डिवीज़न, ये कैसे निकाला। इसके लिए हमें ये बात भी पता करना पड़ेगा कि कहीं कोई स्टूडेंट फेल तो नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट है आपका, इसमें स्टूडेंट पास है कि फेल है। अभी आप देखिए, यहाँ पर यदि मार्क्स कम आते हैं, 13 मार्क्स देख रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर हम 4 डालते हैं जिसके हमने मार्क्स डेटाबेस में कम डाल रखे हैं, ये देखिए रिजल्ट फेल बता रहा। तो आखिर रिजल्ट फेल कैसे बताएगा? यहाँ पर ग्रेड का फॉर्मूला तो आ गया, इसमें पास फेल वाली कंडीशन में हमने दे दी, लेकिन किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में यदि वो फेल है तो ये भी पास बता रहा है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर मैच नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये एग्रीगेट रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट स्टूडेंट फेल है लेकिन ये बता रहा है पास, यानी ये गलत हो जाता है। ये एग्रीगेट में ये परसेंटेज ग्रेड लेवल में पास है लेकिन रिजल्ट में ये फेल है, तो हमें मूल रिजल्ट पर ध्यान देना है। अब मूल रिजल्ट हम कैसे निकालें? तो मूल रिजल्ट के लिए हमने पहले निकाला फेल, यदि स्टूडेंट फेल तो नहीं, ये चेक करना है, यदि ये फेल है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फेल। अब इसकी कंडीशन को हम समझते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगाया सब्जेक्ट वाइज। इफ़ यदि I13, आई के अंदर आई कॉलम देखिए, अब ये है और 13 में वैल्यू है, तो I13 इक्वल फेल शब्द लिखाओ। अब ये फेल कहाँ से आएगा? इसका फॉर्मूला हमने इसमें लगा रखा है, तो इस फॉर्मूले से ये पता कर लेगा कि ये फेल है या डिस्टेंस को। तो हमने यहाँ पे बात की डिस्टेंस वाली नहीं, यहाँ पे बात की हमने फेल वाली। यहाँ पर फेल हो तो क्या लिखा है? फेल लिखाएगा। तो हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का फेल ऑप्शन यहाँ पर निकाला है, ये भी फेल हो, हमने I14 का भी बोला कि यदि फेल लिखाओ, क्योंकि ये निर्धारित हमें भी नहीं मालूम है कि कौन स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकता है। तो हमने ये बात पता करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए फेल ऑप्शन निकाल लिया, I15 फेल फेल, और उसके साथ में एक और बात कही, या तो फेल शब्द प्रिंट करें, इन सभी को चेक करें, फेल शब्द लिखा है तो फेल करें, नहीं तो इसको हमने खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर पास वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इसको कि फेल को चेक कर लें, यदि फेल चेक हो जाता है तो हमारी आगे की जो आगे का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए, अब हमने इस फॉर्मूले को, आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद की बात करते हैं हम। ये फेल शब्द आ गया, इनमें से किसी में भी फेल होगा तो यहाँ पे फेल आएगा, एक में भी होगा या सभी में होगा तब भी बात कर रहे हैं हम फेल की। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट पर, रिजल्ट को कैसे फेल बताया। तो रिजल्ट के लिए फॉर्मूला हमने कुछ बड़ी साइज में लगा है, लेंदी ये फार्मूला, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर हमने लगाया है इफ़ लॉजिक है एंड ग्रेटर देन इक्वल 60 की बात की, यदि G19 की बात की है कि 19 ग्रेटर देन इक्वल 60, उसके साथ में हमने I20 को भी देखा, ये खाली भी होना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें फेल शब्द लिखा, ये देखिए फेल लिखा है, तो ये कंडीशन पास है फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में नहीं आता, इस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो हमने इसको बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, ग्रेड ये ग्रेड अब काम आ रहा है हमारा, परसेंटेज काम आ रहा है। तो इसकी हमने कही बात कि 60 से बड़ा हो, और एक और कंडीशन कि उसके साथ में I20 ब्लैंक भी होना चाहिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसमें फेल लिखा है मतलब कि रिजल्ट फेल है, क्योंकि एक में किसी में भी फेल हो चुका है। तो क्या है? पास ए फर्स्ट डिवीज़न। अगला है इफ़ एंड लॉजिक लगाया, G19 ग्रेटर देन इक्वल 45 और लेस देन 60, ये सेकंड डिवीज़न के लिए, सेकंड डिवीज़न आए इसमें, लेकिन एक और चीज़ में भी चेक करें कि ये जो I20 है ये ब्लैंक हो, तो क्या है? पास है सेकंड डिवीज़न। और क्या हो? और उसके साथ में G19 ग्रेटर देन इक्वल 33 लेस देन 45, तो अगली कंडीशन आती है हमारी पास है थर्ड डिवीज़न, ये थर्ड हो गया, थर्ड डिवीज़न की बात की थी हमने, टाइपिंग मिस्टेक है। और इसमें ये दो चेक करने के साथ में तीसरी जो ब्लैंक वाली पोजीशन है इसको भी ये चेक करें, ये खाली हो, तो ये थर्ड जोन क्लास पास है, अदरवाइज रिजल्ट क्या देगा? फेल। यानी अब यहाँ पर इस शब्द को देखेगा कि यदि फेल लिखा है तो रिजल्ट फेल आए, यानी कुछ भी लिखा हो तो रिजल्ट फेल आएगा, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर क्या कर रहा है? रिजल्ट फेल दे रहा है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एक बार लागू किया हमने और इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर
पूरा डेटाबेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने सप्ली का डेटाबेस कंप्लीट नहीं किया है, सप्ली का एक फार्मूला और लगाना है, इतना आप प्रैक्टिकल करके देखें। अब बस आपका सप्ली बचा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में फैल है उसका फार्मूला हम एक लागू करेंगे, वो है इसका कलर। यदि फैल है तो रेड कलर, और यदि पास है तो ग्रीन कलर, फर्स्ट यून पास तो ग्रीन कलर, टॉप बेस्ट पास है तो येलो, या कोई भी विनर का हम कलर यहाँ पर गोल्ड का कलर यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके आधार पर पता देगा कि ये ग्रेड जो है इसका, ये टॉप ग्रेड पास है। इस प्रकार का हम और इसमें लॉजिक करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। फॉर्मेटिंग लेआउट अभी प्रिंटेड बेस पे नहीं है, यदि हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा बेस पोजिशन इसकी ठीक नहीं है, पूरे उस पर आना चाहिए। और इसमें करने वाले हैं हम कि यहाँ पर क्लास टीचर चेक किसने किया, उसका नाम और डायरेक्टर का नाम, प्रत्येक क्लास वाइज उसके क्लास टीचर का नाम आ जाएगा और चेक बाय और डायरेक्टर या प्रिंसिपल का नाम, और उसके साथ में कोई कंडीशन हम लागू करना चाहते हैं, शर्तें लागू करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। यानी एक कंप्लीट मार्क्सशीट की बनने वाली है। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।